अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 मार्च बरोज़ जमारात 2024 के मकामी रोज़नामों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज़ में नज़र डालते हैं रोज़नामा खुशहाली कश्मीर के सफ़ाए अव्वल पे। लिखते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमने खेलों का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खिलाड़ियों को आलमी मियार की तरबियत और रहनुमाई फराहम की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दो रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर इख्तिताम, असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ मुनाकिद करने का हतमी फैसला ज़ेर गौर, जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात को यकीनी बनाएगी चीफ इलेक्शन कमीशन। आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात हमारी तरजीह होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत अपने इक्तदारी आला और अपनी सालमियत के तहफ़ के लिए पूरी तरह तैयार, मुल्क में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान जंगी साजो सामान बशमूल जंगी तैयारे बनाए गए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म मोदी की समाजी व इक्तिसादी असलाहत ने आम शहरियों में उमंग जगाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। CAA कानून इंसानी बुनियादों पर लागू किया गया, जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के काम देख कर कई सियासी पार्टियों के लीडरान बौखलाहट का शिकार, कविंदर गुप्ता। शहर श्रीनगर में आग की दो अलग अलग वारदातें रोनमा, 4 रिहायशी मकानात खाकिस्तर, एक दुकान को भी नुकसान, लाखों रुपये मालियत का नुकसान, कई कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। सोपोर, बड़गाम और बारामूला में गैर कानूनी लकड़ी बरामद, पुलिस ने 4 मुलजमीन को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। बारामूला में चोरी का मामला हल, 3 मुलजिम गिरफ्तार, माल मसरू का बरामद पुलिस। म्यूनसिपल कमेटी शुपियन में फंड का गलत इस्तेमाल, ACB ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और अबरालूद मौसमी सूरत हाल, कहीं हल्की बर्फबारी और कहीं बारिशें हुई, श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में तेज आंधी से खौफ दहशत का माहौल। नाज़रीन की आज की सुर्खियाँ, मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।